चंदौली से बीजेपी सांसद और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे एक दिवसीय दौरे पर चंदौली पहुंचे। यहां उन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण समर्पण अभियान के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बीजेपी के चंदौली जिला अध्यक्ष को 1,11,000 रुपये का चेक राम मंदिर निर्माण के लिए सौंपा। इस दौरान बंगाल चुनाव पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, निश्चित तौर से बंगाल में चुनाव हिंसा एक गंभीर विषय बना हुआ है और मुझे लगता है कि इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने यहां 8 चरणों में चुनाव कराने की कोशिश की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाएँ ठीक रखी जा सकें। वहाँ अब तक भाजपा के 136 कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। नाथ ने कहा कि ये सोनार बांग्ला भाजपा ही बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीत के सरकार बनाएगी और पुडुचेरी में सरकार बनाएगी और तमिलनाडु और केरल में भी बहुत शानदार प्रदान करेगी और आप सबके बीच जो भी अन्य जगहों पर इतने चुनाव है सब पर भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार सफलताएं अर्जित कर रही है। भारतीय खबर पर बात करेंगे, प्रदीप शर्मा जुड़ गए हैं संवाददाता चंदौली से। प्रदीप, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ आज चंदौली पहुंचे और इस दौरान राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने राशि दी और इसके अलावा जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है, क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दिया? जी, मैं बताना चाहूंगा, इस दौरान बंगाल चुनाव पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, निश्चित तौर से बंगाल में चुनाव हिंसा एक गंभीर विषय बना हुआ है जी। और मुझे लगता है कि इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने वहाँ 8 चरणों में चुनाव करने की कोशिश की जी। चलिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया प्रदीप। और इस खास कार्यक्रम सियासी रंग में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।